है तुम मने सर तुम ते बता रहे हम तुम चलो जौन चाहि तुम ले के चले हुआ साफ पता में तो ही का छोड़ दे है ये साथ जाई बे आ जान हुआ तुम अपन मेहरवा छोड़ दो पे हमरे कोनो भांग के बिहार ना आता है छोड़ दे मेरी बात मानना
अब अगर तुम्हारे राज कमाया तो हर तुम्हारे बंगालियों को रिहा कर दूंगा। अगर थोड़ी सी बात मेरी स्वीकार करो तो मैं तुम्हारे बंगालियों को रिहा कर दूंगा। अरे मान जाओ, अगर मेरी बात का बुरा न मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। Thank you.
कहीं मिल गए
जाएगा। जाओ इस जंगल छोड़ दो। मालिक जंगल छोड़ तो जा रहे मालिक, लेकिन मालिक वादा करता है तुमने मेरी बंगालन की इज्जत बचाई है मालिक, लेकिन अगर समय आया जिन्हें जिंदगी नहीं मालिक तो एहसान का बदला मालिक एहसान तो चुका दे। इतने छोटे इंसान हो सके फराश तुमने इतनी बड़ी बात किया। मैंने कोई या कोई बार आपकी बंगाल का परेशान नहीं किया, मेरा फर्ज था, मैंने अपने फर्ज को पूरा किया। और रही एहसान की बात तो ये तो वक्त और समय, लेकिन शायद बंगालियों ने जगह छोड़ करके किसी दूसरे जगह में चले जाओ, छोड़ नहीं जगह नहीं तो अपनी बात दे जाए तो पता नहीं है प्रताप सिंह तू लोगों के साथ कौन सा सलूक कर देते। जाओ छोड़ नहीं जगह तो एक बंजारन के कारण मेरा दोस्त मेरा दुश्मन बन गया। और वादा कर दिया कि सरकार तेरे दो बेटे हैं, अगर दोनों बच्चों को एक एक ताने को मोहताज न कर दिया तो मेरा नाम प्रताप सिंह होगा। मेरे दोस्त तू ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि तू मेरा भाई है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मुझे शिराज राजभवनों को चलना चाहिए और चल करके अपनी बीवी और बच्चों को यह बात बता देना, चलो उन्हें आगाह कर देना चाहिए कि वो तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि तुम्हारे रास्ते का काटा बन गया है, हम सबों का दुश्मन बन गया है दुश्मन। इसी बात मुझे चलना चाहिए और अपने बीवी बच्चों को बता देना चाहिए। ये बेटा तुम्हारे भाई क्या कहा है, जल्दी बुलाओ बुलाओ माँ। माँ लगता है उसे नींद आ गई है, ऐसा करते हैं कि मैं जानती कहाँ जा रही हूँ, आप तो गए वास्तव में सोने के लिए बड़े देखो कैसा चेहरा बना के रखता है, आज मंदिर जाना है आखिरी बार मैं वहाँ पर साथ दूंगे, चलो तुम्हारे बापू से आज्ञा ले लिया जाओ, चलो मंदिर की तरफ चला जाए। आज उदास क्यों बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू, आज क्या हो गया। हर गिरफ्तारी किस रंग की
आपकी कैसी बुद्धि है, आप तो जमींदार
समझने की कोशिश करे प्रभु जी, क्यों कुएं का कोर तो नहीं रहा बल्कि आपके नास्तिक का चाचा बन गया। मेरे दोनों बच्चों का वो चाचा चाचा नहीं रहा बल्कि एक कातिल किस्मत बन गया। फजूल में चिंता में पड़ रहे हैं। हमारे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने, तुम्हारे आंखों के सामने, उसने कसम खाई थी कि जहां पर दोनों बच्चों का पसीना बहेगा वहां तुम बहा दूंगा और जहां पर जान जाती होगी अपनी जान दे देंगे। मैं कैसे मान लू? अरे ये सारी चिंताएं छोड़ो, आज मेरा आखिरी वक्त है, मुझे दुर्गे माँ के मंदिर जाना है। हाँ दोनों बच्चों को ले जाऊंगी, पूजा करूंगी और देवी मैया से मेरी विनती करूंगी कि तुम्हारे दो बच्चों को सही रास्ते पे ला दे। आज दोनों बच्चों को साथ लेकर के आई कि माँ की ऐसी तुम्हें पूजा करनी है, माँ के मंदिर जाना चाहती है। लेकिन प्रभु जी मैं माँ के मंदिर जाने से तुम्हें क्या रोक सकता है? मेरी क्या औकात है तुम्हें मंदिर जाने से रोक सकूं? आखिरी तुम्हारा नवरात्रि व्रत, आज गुरु जी की आखिरी पूजा है। लेकिन प्रभु जी जाओ, बच्चों को साथ ले जाओ और माँ की पूजा करके बहुत सिद्ध भी लेके विराज पहले को आ जाएगा। लेकिन आज संसद एक खास बात दोनों भाइयों को हम बताना चाहते हैं। काल दोनों भाई अपना अपना दाहिना हाथ उठा करके मुझे दिखा। लाल सेन सिंह आप कौन से? तुम दोनों भाइयों की बदली को चक्र का निशान इस आसाम शहर के अंदर दोनों भाइयों को छोड़ करके किसी तीसरे इंसान की दगोली में चक्कर शामिल होते। लाल अगर दोनों भाई एक दूसरे से कहीं जुदा हो जाते हो तो कभी नहीं मिलना पड़ा। और लाल सेन सिंह की हम दोनों सभी भाई अपने हाथों की निशानी देख करके ये समझ लेना कि हम दोनों एक ही मांगे जाते। लाल भाई तुम्हारा मास सुरम कल्याण करेगी और बहुत जल्दी जल्दी बच्चों को देख करके राजभवनों को अरे पहले तो मैं भी दुखी हो गई थी, आप भी चिंता में पड़ गए। अरे भाला तुम्हारे